जो मेरा रिएक्शन था फैमिली का, वो मेरा इतना ब्राइट नहीं था कि सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि रीज़न बीइंग यूपीएससी एक पेपर कंडक्ट करा था एनडीए, तो मैंने वो एनडीए भी पेपर दिया था जिसमें मैं रिकमेंड हुआ था अलाहाबाद से 134th में। वो मैंने कोचिंग नहीं ली थी क्योंकि मेरा रिजल्ट अच्छा आ रहा था मॉक्स में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टूडेंसी। आज हमारे साथ हैं दिल्ली एसआई रैंक के एक ऑफिसर रजत रघुवंशी सर। आज हम जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, इनके स्ट्रगल टाइम के बारे में और इनके टफेस्ट टाइम के बारे में कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन इनका क्या टफेस्ट टाइम रहा, और बहुत सारी ऐसी जानकारी जो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड होंगी वो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आपकी जर्नी के लिए। तो मिलाते हैं सर से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपने अपने बिजी शेड्यूल से कुछ टाइम हमारे लिए निकाला। देखिए, मैं भी खुश हूँ आपके चैनल का हिस्सा बन के। खैर, ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है इस तरह से खुद का इंटरव्यू देना, तो जो जो आप जानना चाहते हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरी तरह से बता सकूँ। स्पेशली हमारे व्यूअर के लिए सर, सर अपने बारे में थोड़ा आप बताएँ और अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में स्टार्ट करें। मेरा अगर गांव कहें, नाम तो आपने बता ही दिया और अभी क्या है वो वर्दी से भी और वैसे भी पता चल रहा है। गांव अगर कहें तो मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ। अपब्रिंगिंग मेरी बागपत की है और अभी मैं गाज़ियाबाद रहता हूँ, तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि मेरी जो रूट्स हैं वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। आपने सिलेक्शन के बारे में बताया सर, कब सिलेक्ट हुए, क्या डायरेक्ट आप दिल्ली पुलिस एसआई रैंक पे हुए थे या इससे पहले भी आप कोई सर्विस में? नहीं, मैं शुरू से ही इंटरेस्टेड था कि जो बेल्ट फोर्सेज हैं उन्हीं में जाया जाए। इससे पहले भी मैंने यूपीएससी एक पेपर कंडक्ट करा था एनडीए, तो मैंने वो एनडीए भी पेपर दिया था जिसमें मैं रिकमेंड हुआ था अलाहाबाद से 134th बैच में, बट ड्यू टू सम फैमिली रीजंस मैं ट्रेनिंग पे एनडीए के लिए पुणे भी गया था खड़कवासला, बट ड्यू टू सम फैमिली रीजंस मैंने विड्रॉ किया वहाँ से, और उसके बाद यहाँ सोचा कि अपनी पहले ग्रेजुएशन पूरी करते हैं। मैंने डीयू से मैथ्स ऑनर्स करी है और 2017 में हमें वहाँ से डिग्री मिल गई थी डीयू से, तो उसके बाद ही तैयारी करना शुरू किया कि बेल्ट फोर्सेस में जो अपने घर के पास भी हो, तो उसमें दिल्ली पुलिस एक फेवरेबल पोस्ट लगी जिसका कंडक्ट करने का प्रोसेस भी अच्छा था। एसएससी का जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट भी है, अब काफ़ी फास्ट हो गया है। तो 2017 में मैंने एक बार ट्राई करा था, तो उस टाइम पे मैं फिजिकल से सिर्फ 4 दिन पहले हाई जंप करते हुए पैर में चोट लग गई थी, तो वो मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। उससे अगला जो मेरा अटैम्प्ट था ये वाला था जिसमें मेरे फर्स्ट ईयर में मेहनत भी करी थी और लक भी था, काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए थे, फिर फिजिकल क्लियर हो गया था। और जो सेकंड ईयर था वो सिर्फ इंग्लिश बेस्ड होता है, तो वो भी काफ़ी अच्छा चला गया था, तो एग्ज़ाम तो क्लियर था। लेकिन हमारा क्या था कि कोविड की वजह से हमारी जॉइनिंग सिर्फ इसी बैच की काफ़ी लेट हुई है, तो हमारी ट्रेनिंग जो है वो 2021 में स्टार्ट हुई थी अक्टूबर में। सर, थोड़ा आप अपने टाइम रूटीन के बारे में बताएं कि आप जब स्टूडेंट थे दिल्ली पुलिस एसआई के लिए आप अप्लाई किए थे, टाइम रूटीन आप क्या फॉलो करते थे और साथ ही आपने कोचिंग लिया था या नहीं लिया था? कोचिंग काफ़ी लोगों ने कहा था कि लेनी चाहिए, काफ़ी लोग जो ऑलरेडी ले चुके थे उन्होंने सजेस्ट करा था कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो आपको फर्स्ट ट्राई देना चाहिए कि आप सेल्फ स्टडी करें, अगर आपको लगता है कि फुलफ़िल नहीं कर सकते तो कोचिंग लेना चाहिए। तो मैंने ट्राई किया था, ट्राई करके और सक्सेसफुल भी है। इसका तरीका यही है कि आप मॉक दे के देख लो, मॉक्स दिए वो भी प्रीवियस ईयर्स के, तो मैंने कोचिंग नहीं ली थी क्योंकि मेरा रिजल्ट अच्छा आ रहा था मॉक्स में। तो रूटीन ऐसा ही रहता था क्योंकि अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी करते थे, उसके बाद मैं थोड़ा स्पोर्ट्स के टूवर्ड्स भी इंक्लाइंड हूँ, तो डेली आपको रफली थोड़ा बहुत ही टाइम देना होता है, अराउंड 3 to 4 hours अगर आप पूरे दिन में निकाल लेते हैं डेडिकेटेड, तो आपके लिए ये काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है सर, स्टूडेंट लाइफ और आपकी जो आपके कंधे पे स्टार आया, इन दोनों में डिफरेंस आपको क्या लग रहा है? स्टूडेंट लाइफ से आपके अभी प्रोफेशनल लाइफ में आपके थॉट्स प्रोसेस में क्या अंतर आए हैं, आप कैसे अलग सोचते हैं फिलहाल? ये बताना तो बहुत ही आसान है क्योंकि ये इसकी शुरुआत हो गई थी जब हम ट्रेनिंग पे गए थे October 1st of 2021। जो आपकी स्टूडेंट लाइफ होती है वो काफ़ी आसान होती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, आपको बस पढ़ना होता है, पेरेंट्स पे कर रहे होते हैं मोस्टली केसेस में, टाइम होता है। इसमें
आपके साथ क्या जुड़ता है, ये कोई जॉब नहीं है, एक तरह की सर्विस है, तो उसमें आपको टाइम की ये चीज़ रहती है। अगर आप अपना काम टाइम पे पूरा करते हैं, ट्रेनिंग में भी यही है कि अगर आप टाइम से चल रहे हैं तो काफ़ी लिमिटेड टाइम मिलता है अपने लिए, जो पर्सनल लाइफ होती है। लेकिन जो एंजॉय करता है इस चीज़ को तो एंजॉय करता ही है। सर, न्यू एस्पिरेंट के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो कि अपने रिटेन और फिजिकल दोनों फैक्टर्स में डिसबैलेंस हो जाते कभी भी? या तो किसी का होता है कि फिजिकल निकल गया तो रिटेन में लटक गए, ठीक है, रिटेन निकला तो फिजिकली अनफिट हैं, तो उन आपने कैसे बैलेंस किया हुआ है, किया था? सबसे पहले तो जो एक काफ़ी परेशानी की बात होती है बच्चों के लिए, इसमें क्राइटेरिया होता है 170 सेंटीमीटर्स का हाइट का। काफ़ी बच्चे फिजिकल के टाइम पे पता चलता है, क्योंकि उसी टाइम पे हाइट मेजर की जाती है, उस टाइम पे पता चलता है कि वो 170 से कम है। तो फर्स्ट ईयर के लिए पढ़े भी होते हैं, फिजिकल भी क्लियर होता है, तब भी वो निकल जाते हैं। सबसे पहले तो आप वो क्लियर कर लें कि आप उससे ऊपर हैं। उसके अलावा पढ़ाई का आप, मैंने तो जैसे स्टडी करी थी, टेक्स्ट बुक ऐप से मैंने स्टडी करी थी, मैं एक दो चैनल भी फॉलो करता था, RBE वगैरह, जो पढ़ाई के लिए गाइड करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि आपको 3 ही घंटे देने हैं पढ़ने के लिए, बाकी टाइम आपका है, आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद है वो कर लो। अगर आप एवरेज भी हैं फिट, तो आपका फिजिकल आराम से हो जाएगा, आपको मुश्किल नहीं आएगी। दिल्ली SI की सर जो कार्य है, थोड़ा सा अगर बताना चाहे आपकी, जैसे क्या करना होता है सर आके, तो थोड़ा बहुत अगर बताना चाहे। देखो, इसमें मैं आपको गाइड शायद ज़्यादा ना कर पाऊँ, क्योंकि हमारा जो बैच है, हम January 4, 2023 लास्ट मंथ ही थाने में अटैच हुए हैं, तो अभी हम PSI हैं, प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर्स। प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर्स का जो रैंक होता है वो 2 साल रहता है, 1 साल ट्रेनिंग पीरियड का और 1 साल थाने का। तो अभी भी हम काम ही सीख रहे हैं, अभी भी हम ट्रेनिंग पर ही हैं। तो अभी तो जो हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग, जैसे हमें शुरुआत के कुछ हफ्ते रिकॉर्ड्स रूम में बैठना है, कुछ हफ्ते DO बैठना है, कुछ हफ्ते IOs के साथ रहना है, एमरजेंसीज देनी है, तो अभी क्लियरली मैं इस गाइड नहीं करना चाहूँगा क्योंकि किसी को, तो क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, ये जो सीजनड IOs हैं वो बता पाएंगे। सर, एक न्यू एस्पिरेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि दिल्ली पुलिस में या CPO बनना चाहता है, SI बनना चाहता है बंदा, वो अपने माइंड किस माइंड के साथ इस फील्ड में तैयार होके आए, वो किन किन परिस्थितियों को ध्यान रखे फिर इस लाइन में आए? सबसे पहले तो वो ये ध्यान रखें पेपर देने से पहले ही कि सिर्फ एक डायरेक्शन में ना चलें, सिर्फ ऐसा माइंड लेके ना चलें कि मुझे बनना है तो यही बनना है। वो अच्छा है, वो एक मोटिवेशन होती है, बट ऐसा ना हो कि वो ये ना बन पाए और कहीं और भी अनसक्सेसफुल रह जाएं। रीज़न बीइंग कि वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा कम आ जाती हैं, जैसे हमारे बैच में जनरल की वैकेंसीज़ 100 थी, उससे अगले बैच में शायद 30-40 के ही बीच में थी, तो अब मान लो 40 है और जो 41st रैंक पे है, ऐसा तो है नहीं वो डिज़र्विंग नहीं है, लेकिन बस रह जाता है। तो न्यू एस्पिरेंट को क्लियर होना चाहिए कि हाँ बनना है, लेकिन दूसरी चीज़ों के लिए भी तैयारी करता रहे, साथ ही टाइम जो है, टाइम उसे सारी चीज़ों में देना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में नहीं रहना चाहिए, फ्रेंड सर्कल भी होना चाहिए, फैमिली, खासकर फैमिली को टाइम देना चाहिए। तो हमने थोड़ी सी एक बार बीच में ऐसी गलती करी थी कि फैमिली टाइम थोड़ा कम कर दिया था, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि ऐसी इन सब चीज़ों की कोई नीड नहीं थी, एक एवरेज लेवल पे पढ़ेंगे आप तो हो जाएगा। सर, आपके फैमिली में आप ही गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर कोई बैकग्राउंड है आपका पुलिस से रिलेटेड आपके फैमिली में? और साथ ही जब आपका सिलेक्शन हुआ तो फैमिली रिएक्शन क्या था, स्पेशली पेरेंट्स या मदर का? मेरे फैमिली में जो मेरे ग्रैंडफादर हैं अभी लिविंग है, ही इज़ 96 और मैं चाहता हूँ और लंबे जीते रहें, तो वो सिविक्स के लेक्चरर थे आपके बड़ौत में जाट कॉलेज में। मेरे फादर जो हैं राइट नाउ प्रिंसिपल हैं, बागपत में ही एक स्कूल है उसमें, तो मेरा वहाँ उधर से कोई रहा नहीं है कोई पुलिस में। लेकिन हाँ, जो मेरा रिएक्शन था फैमिली का, वो मेरा इतना ब्राइट नहीं था कि सिलेक्शन हुआ, क्योंकि रीज़न बीइंग कि मैं उससे पहले 19 साल की उम्र में NDA में सेलेक्ट हुआ था, तो जो जिस लेवल का वो थ्रिल था, क्योंकि वो डायरेक्ट एंट्री होती है लेफ्टिनेंट के लिए, मैंने आर्मी ऑप्ट किया था, बट एक्चुअली माय मदर हैड कैंसर जब मैं ट्रेनिंग पे था, दैट वाज द रीज़न कि मैंने विड्रॉ कर लिया था। तो खुश थे कि, क्योंकि ये भी एक रेस्पेक्टेबल पोस्ट है, काफ़ी खुश थे।
लेकिन उतने नहीं थे। फाइनल और सबसे बड़ा क्वेश्चन सर, कि आपके कंधे पे ये शानदार स्टार है, उसी हिसाब से आपको बड़ी जिम्मेदारियां भी मिली होंगी, तो इस जिम्मेदारी को निभाते समय कुछ प्रेशर्स भी आते होंगे, हाउ टू हैंडल दैट प्रेशर? देखिए, जो ये सर्विस है इसकी कोई भी टाइमिंग नहीं होती, 24 के 24 घंटे 24/7 आप कह सकते हैं, आप काम पे हैं, आप हर तरह के इंसान से मिलते हैं, किसी भी तरह के, कोई बहुत परेशान भी होता है, कोई बहुत गुस्से में भी होता है, कोई क्रिमिनल इंटेंट से ही आया होता है, तो आपको हर तरह के इंसान से डील करना होता है। तो आप अपनी एक सिंगल पर्सनैलिटी से नहीं चल सकते, सिंगल वे ऑफ डीलिंग नहीं हो सकता, 360 खुलना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम भी देख के सीख रहे हैं, जो हमारे सीनियर आईओज हैं, रवि साहब हैं, सुमित साहब हैं, जितेंद्र साहब हैं, तो इन्हें देख के हम भी सीख ही रहे हैं धीरे धीरे कि कैसे सीनेरियोज में वो अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। होप गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और स्टूडेंसी चैनल स्पेशली आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि आपके जर्नी को आसान बनाने के लिए एक मुहिम है, साथ ही साथ एक्सपर्ट्स के द्वारा या जो आपके क्षेत्र में ऑलरेडी कार्यरत हैं उनके द्वारा आपको कुछ मोटिवेशन और कुछ मार्गदर्शन देने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। होप आपको पसंद आ रहा होगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बिना किए ना जाएं। थैंक यू सो मच।